Hello dear student, I am Padmesh Dwivedi from ADG, and once again welcome you in case of eccentric loading in the weld. In my last lecture I discussed twisting case in the weld, and now I am going to discuss bending in case of weld. So okay dear student, pehle hum is problem ko samajhte hain ki actually ye problem hai kya. Jaisa ki aap dekh pa rahe hain कि एक बार को एक प्लेट के साथ जोड़ा गया है. बार को मैंने दिखाया है ग्रीन कलर से और जो प्लेट है उसे मैंने येलो से दिखाया है, और हम देख पा रहे हैं वेल्ड को मैंने रेड कलर से दिखाया है, और 20 किलोन्यूटन लोड जो कि लगा हुआ है ब्लू कलर से दिखाया गया है. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस डायग्राम को एग्जैक्टली समझें तो हमें अभी तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि उसने एक बार फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है कि साइज या लेग निकालिए, और कुछ परमिसिबल डेटा दे रखे हैं सीयर के, दैट इज 80 मेगापास्कल. सो माय डियर स्टूडेंट, हमने ये देख लिया है कि ये 20 किलोन्यूटन का लोड इस वेल्ड के रिस्पेक्ट में इसेंट्रिक है. ओके, अगर हम दोनों डायग्राम को समझें, एक्चुअली डायग्राम एक ही है पर उसके दो व्यूज हमें दिए गए हैं. तो अगर हम बात करें तो ये राइट साइड वाला डायग्राम है फ्रंट व्यू, और लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है साइड व्यू. लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये डायग्राम समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि ये है क्या, और जब तक ये क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते. तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक 3D इमेज की मदद से एक्चुअल डायग्राम को समझाया था, वंस अगेन मैं आपके लिए एक 3D इमेज लेके आया हूँ. सो माय डियर स्टूडेंट, इसका हम 3D डायग्राम को अगर देखें तो ये एक्चुअली केस है जहाँ पे ग्रीन से मैंने बार को दिखाया गया है, येलो से प्लेट है और रेड से वेल्ड है. ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है, और अगर हम इसको रोटेट करें तो दैट इज़ द साइड व्यू. साइड व्यू में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार को प्लेट के साथ तीन साइड से वेल्ड किया गया है, लेकिन ये बॉटम वाली साइड पे वेल्ड नहीं किया गया है. तो ये हमारा हो गया इसका साइड व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू. बट माय डियर स्टूडेंट, हमने जो 3D इमेज तैयार की है इससे बहुत आसानी से आप इस एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि ये वेल्ड है, वेल्ड से लोड कुछ डिस्टेंस पे काम कर रहा है, और ये नीचे वाली साइड पे वेल्ड नहीं किया गया है, तीन साइड से वेल्ड किया गया है इसको. और मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट को ये क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं वो है क्या. लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे वही कहना चाहूँगा कि इन योर एग्ज़ाम कभी भी 3D डायग्राम आपसे डिस्कस नहीं किया होगा ना दिया होगा. हमें जो भी समझना है वो 2D से समझना है. तो हम लौट आते हैं एक बार फिर से इसके 2D या एक्चुअल क्वेश्चन पे. ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम. मेरे हिसाब से सारे लोगों को क्लियरिटी आ चुकी होगी कि एक्चुअली ये है क्या क्वेश्चन. चलिए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर. सो ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी लोड CG से पास ना करें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. तो बिल्कुल लास्ट क्लास के हिसाब से ही सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं. सो हम बढ़ते हैं पहले स्टेप की ओर. सो स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट CG ऑफ वेल्ड. सो एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, हम वेल्ड को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें CGV किसका पता करना होगा, वेल्ड का. सो ओके माय डियर स्टूडेंट, हम एक बार फिर से वेल्ड को बना लेते हैं, और ये रहा हमारा वेल्ड. और हमने लास्ट क्लास में एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर कई सारे एरियाज़ को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं X1A1 प्लस X2A2 प्लस X3A3. तो सेम फार्मूले बढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले एरियाज़ को नाम दे देते हैं. सो दैट इज़ एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, और ये रहे रिस्पेक्टिव एरियाज के CG, CG1, CG2, CG3. और इतना लगभग सबको आइडिया लग गया है कि ये होगा पूरे वेल्ड का CG. ओके, सो हम एक बार फिर से सेम फार्मूला यूज करने वाले हैं, और वही फार्मूला है हमारा लास्ट क्लास में जो था, A1X1 प्लस A2X2
plus A3 X3 and so on divided by A1 plus A2 plus A3 and so on. Similarly for Y bar also, A1 Y1, A2 Y2, A3 Y3 and so on divided by A1 plus A2 plus A3 and so on. So my dear student, जैसा कि आप सब इस फॉर्मूले को लास्ट क्लास में यूज करना सीख चुके हैं कि एक्स बार एंड वाई बार फाइनल सीजी हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके कोऑर्डिनेट हैं, और x1 x2 x3 सभी रिस्पेक्टिव सीजीज के एक्स कोऑर्डिनेट हैं, y1 y2 y3 रिस्पेक्टिव सीजीज के वाई कोऑर्डिनेट हैं। सो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं सारे सीजीज के। सो हमें ओरिजिन की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो लेट दिस पॉइंट इज ओरिजिन। सो CG1 के कोऑर्डिनेट होंगे, अगर हम एक्चुअल प्रॉब्लम को देख के अच्छे से कोऑर्डिनेट लिखें तो CG1 के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -25। CG2 के कोऑर्डिनेट होंगे 50, 0 और CG3 के कोऑर्डिनेट होंगे 100, -25। सो ओके, ये डेटास को हम फॉर्मूलेज में पुट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पुट कर दिए हैं सारे डेटा, आप देख सकते हैं पहले वाले का एरिया 50t, कोऑर्डिनेट एक्स वाला 0, दूसरे का एरिया 100t, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाला 50, एंड सिमिलरली थर्ड एरिया 50t, कोऑर्डिनेट 100, ऑल एरियाज का समेशन। एंड सिमिलरली हमने वाई बार में भी डेटा भर दिए हैं, और हमें एक्चुअली में हमें एक्स बार में डेटा भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम जान रहे थे ये क्वेश्चन में सिमेट्री थी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 50 ही आना था। सो माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, पर हम डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो फाइनली हमने सीजी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, दैट इज 50, -12.5। सो हम लिख भी सकते हैं इनको 50, -12.5। तो ये हमारा सीजी निकल आया। ओके, हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। सो स्टेप टू है फाइंड आउट इसेंट्रिसिटी। सो दिस इज वेरी सिंपल टास्क। इसेंट्रिसिटी अगर हम ध्यान दें तो हमारे इस प्रॉब्लम में दिस इज द लोकेशन ऑफ सीजी, यहाँ भी हम कह सकते हैं ये सीजी की लोकेशन होगी, और ये जो 120 डिस्टेंस दे रखी है इस डिस्टेंस को ही हम इसेंट्रिसिटी बोल देंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स की ये हमारी इसेंट्रिसिटी हो गई 120 mm। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ेंगे जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में आगे बढ़ रहे थे। स्टेप नंबर थर्ड हमारा वही है, सिमिलर स्टेप है, अप्लाई P1 एंड P2 फ्रॉम CG। हमने डिस्कस किया था कि हमें दो फोर्सेस अप्लाई करने हैं CG से, P1 और P2, और वो कुछ ऐसे अप्लाई करने हैं कि एक तो वो लोड के पैरेलल होने चाहिए और दूसरा डियर स्टूडेंट उनके मैग्नीट्यूड भी आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो चलिए इनको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम P1 P2 को अप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज P1, दिस इज P2। ओके, हम साइड व्यू में भी अप्लाई कर सकते हैं P1 और P2। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल वही है जो हमारे लास्ट लेक्चर्स में चल रहे थे। स्टेप 4, इफेक्ट ऑफ P1। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस प्रॉब्लम में
20 और P2 को भूल जाने वाले हैं, हम केवल सोचने वाले हैं P1। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए सोचते हैं कि केवल P1 अप्लाइड है, और अगर केवल P1 अप्लाइड है तो अगर हम इसको साइड व्यू से ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि अगर केवल P1 अप्लाइड है तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक प्लेन के बारे में, और जिसको मैंने नाम दिया था वेल्ड प्लेन। अगर आप सबको याद हो कि वेल्ड प्लेन क्या होता है, तो मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया था कि पूरी की पूरी वेल्डिंग को आप आपस में मिला दीजिए, जो प्लेन बने उसी को हम वेल्ड प्लेन कहते हैं। तो अगर हम केवल साइड व्यू को देखें और साइड व्यू में हम इस पूरी वेल्डिंग को आपस में जोड़ दें, तो सारी वेल्डिंग को आपस में जोड़ने के बाद ये पेपर वाला प्लेन बन जाएगा वेल्ड प्लेन। मतलब जिस प्लेन में ये पेपर है वही है वेल्ड प्लेन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये रहा वेल्ड प्लेन। अगर हम बात करें तो ये अप्लाइड है CG से, अप्लाइड हुआ है P1, हम सब जानते हैं मैग्नीट्यूड 20 किलो न्यूटन ही है। सो, अगर ये CG से पास कर रहा है और वेल्ड प्लेन में है, तो दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीयर स्ट्रेसेस। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि आइदर पैरेलल और ट्रांसवर्स, हम दोनों को डिज़ाइन करते हैं माय डियर स्टूडेंट, दोनों को डिज़ाइन करते हैं हम सीयर से। सो, हम उन स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं। उन स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम बात करें तो हम सीयर स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं कि ये सारे पॉइंटों पे सीयर स्ट्रेसेस की डायरेक्शन होगी, हर एक जगह मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये स्ट्रेसेस पेपर प्लेन में ही काम कर रही होंगी, या कह दीजिए पेपर प्लेन के पैरेलल होंगी, या कह सकते हैं आप वेल्ड प्लेन के पैरेलल होंगी, और हम इनको प्राइमरी सीयर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड होगा लोड डिवाइडेड बाई एरिया। पर ध्यान ये रहे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हमें निकालना टी को है, टी को हम साइज कह रहे हैं, पर हम एरिया साइज का नहीं लेते हैं, हमें एरिया लेना है थ्रॉट का। सो, लास्ट क्लास में हम थ्रॉट के बारे में बात कर चुके हैं, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना होगा कि हम क्यों थ्रॉट के लिए डिजाइन करते हैं। इस थ्रॉट को हम जानते हैं, दैट इज 0.7070। तो हम क्या करते हैं कि पहले सोल्यूशन को एच में कर लेते हैं और लास्ट स्टेप में जाके हम टी में आंसर कर देंगे। सो, व्हाट इज द प्राइमरी सीयर स्ट्रेस? सो दैट इज 20 इनटू 10^3, बिकॉज इट इज इन किलो न्यूटन। एरिया हो जाएगा हमारा, दैट इज 200, दैट इज लेंथ, और विड्थ हम लेंगे एच, सो दैट इज 100/h इन मेगापास्कल। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 5, इफेक्ट ऑफ P2 and P। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर हम P2 और P के इफेक्ट को समझें तो हम अब समझेंगे, अगर P2 और P के इफेक्ट को समझा जाए तो अब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं P1 को। हम मान के चलते हैं केवल P2 अप्लाइड है। ओके, सो ये ज़्यादा बेटर डिस्कशन के लिए हमें साइड व्यू से तो ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, हम फ्रंट व्यू को कंसीडर करते हैं। तो अगर फ्रंट व्यू को कंसीडर किया जाए तो मेरे हिसाब से डियर स्टूडेंट आपने समझ लिया होगा कि ये प्लेन जो मैं अब बना रहा हूँ, ये पेपर प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, फ्रंट व्यू को देखिएगा आप सभी, ये प्लेन होगा हमारा वेल्ड प्लेन। बता चुका हूँ आपको कि सारी वेल्डिंग को आपस में जोड़ देना है, मिला देना है, और P2 और P कपल बनाएंगे। उस कपल को मैं अगर ज़्यादा बेटर समझाने की कोशिश करूँ तो उस कपल का मैग्नीट्यूड होगा 20 इंटू
120 किलो न्यूटन mm. और माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं m नाम दूंगा, बेंडिंग कपल नाम दूंगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो कपल जो घूमेगा वो पेपर प्लेन में घूमेगा, फ्रंट व्यू को देखना है आप सभी को, तो फ्रंट व्यू के हिसाब से पेपर के परपेंडिकुलर होगा वेल्ड प्लेन, और पेपर के प्लेन में होगा कपल का प्लेन। और आप सभी देख पा रहे हैं मैंने दो प्लेन बनाए हुए हैं आपके सामने, और इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को आप समझ गए होंगे, दैट इज एट 90 डिग्री। तभी मेरे डियर स्टूडेंट मैंने इसको नाम दिया है बेंडिंग कपल, तो हम इसे एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो हम समझ चुके हैं कि पी टू एंड 20 किलो न्यूटन अप्लाई करेंगे एक बेंडिंग कपल, एंड दिस बेंडिंग कपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इन द वेल्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो हम सब बेंडिंग को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बेंडिंग को हम सब जानते भी हैं अच्छे से। थोड़ा सा मैं और डिटेल में ले जाना चाहूँगा आपको, बिकॉज वी ऑल नो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, दैट इज एम अपॉन आई एन ए इनटू वाई। अब हमें यहाँ इन सब वैल्यूज को देखना है कि एग्जैक्टली वेल्ड में ये सारी वैल्यूज हैं कौन सी। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं वेल्ड को एक बार फिर से अलग से कंसीडर करूं, और इस बार मैं वेल्ड को कंसीडर कर रहा हूं उसके साइड व्यू में। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो ये हमने वेल्ड को बना लिया है, और वेल्ड के साइड व्यू को हम सब देख पा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि ये वेल्ड मैंने साइड व्यू बनाया है, वेल्ड प्लेन होगा पेपर का प्लेन, और कपल का प्लेन हमारा 90 डिग्री पे होगा वेल्ड प्लेन के, तो यहाँ पे मैं एक एक्सिस दिखा देता हूँ जो कि सीजी से पास करेगी, और इसी एक्सिस को मैं न्यूट्रल एक्सिस दूंगा, और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ही बेंडिंग कपल काम करेगा। और हम सब जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस से वाई ऊपर या नीचे जाने पे बेंडिंग स्ट्रेसेस वेरी करती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस वेल्ड में चार पॉइंट को कंसीडर करें, लेट अस नेम ए बी सी डी, तो हमें ये समझ में आ गया होगा कि YA या YD is greater than YB, YC. So हम सब समझ गए हैं कि bending stress maximum या तो A पे होंगी या bending stress maximum B पे होंगी, और according to bending equation का magnitude होगा M upon INA इंटू वाई ए, और आइदर आप वाई डी भी ले सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है मोमेंट का वाई ए, दैट वाई ए डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सी जी की लोकेशन पता है। सो अगर हम बात करें कि ये है लोकेशन सी जी की, इस डिस्टेंस को हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 12.5 mm। सो ये वाली डिस्टेंस अगर टोटल 50 है तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 37.5 mm। सो वाई ए हो जाएगा हमारा 37.5 mm। दैट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वेल्ड सी जी। सो माई डियर स्टूडेंट, इस आई एन ए को निकालने के लिए हम एक बार फिर से वेल्ड को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द वेल्ड, और अगर हम इस वेल्ड की बात करें तो मैंने तीनों एरियाज के सी जी दिखा रखे हैं, वेल्ड का, वेल्ड के ग्रुप का भी सी जी दिखा रखा है, सारे कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, और हमें जो रिक्वायर्ड है वो इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट
INA हमको required है. Okay, so हम क्या करने वाले हैं, हम respective area का उसके CG के about INA निकालने वाले हैं. इसको हम निकालेंगे इस INA 2 को निकालेंगे हम. और 3 वाले को निकालेंगे हम. सभी समझ गए होंगे कि N1 A1 और N3 A3 ये कह दीजिए कि INA 1 और INA 3 आपस में सेम होंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमें जरूरत पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की. कल हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों का यूज किया था, बट इस बेंडिंग के केस में हमें केवल और केवल पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिक्वायर्ड है. सो अगर हम बात करें जो हमें रिक्वायर्ड है INA, मैं सीधे डेटा पुट करता हूं क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम फॉर्मूले को डिटेल में समझ चुके हैं. सो सबसे पहले मैं पहले वाले एरिया का खुद के न्यूट्रल एक्सिस पे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालता हूं. और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये थिकनेस जरूर टी है, ये हमें निकालना है, लेकिन हम इस मोमेंट को टी पे एक्ट करता हुआ ना मान के थ्रॉट पे एक्ट करता हुआ मानेंगे, क्योंकि थ्रॉट का एरिया कम होता है या थ्रॉट का INA कम होता है तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगी. और हम वेल्ड को हमेशा उसके वीकेस्ट पोर्शन से बचाते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेस को ज़्यादा मान के बचाएंगे तो डिजाइन ज़्यादा सेफ होगा. सो हम पहले वाले का INA ले रहे हैं लेकिन टी वाले थिकनेस पे नहीं, एच वाले पे. सो दैट इज एच 50³/12. ओके, सो दिस इज INA ऑफ फर्स्ट एरिया अबाउट इट्स ऑन CG 1. और अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 50H, और हमें जरूरत पड़ेगी डिस्टेंस की, और इस डिस्टेंस को हम M नाम दे देते हैं. और ये M सब आसानी समझ पा रहे हैं कि ये 12.5 होगी. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये पहले वाले एरिया का CG मेन CG के अबाउट हमने INA निकाल लिया है. और अब हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इसमें सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये पहला एरिया और तीसरा एरिया कवर हो गया है. अब हम दूसरे एरिया का भी डेटा पुट करते हैं, पहले दूसरे एरिया का खुद के CG पे. सो दैट इज 100H³/12. और अब इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, तो 100H, और इसको शिफ्ट करने के लिए डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी, दैट इज N. एंड वंस अगेन ये N इत्तेफाक से हमारा 12.5 ही है स्क्वायर. और जब माय डियर स्टूडेंट आप इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपका INA का डेटा आएगा 24. कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्यूबिक टर्म को हमें निगलेक्ट करना है, क्योंकि उसे निगलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप एच क्यू टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे तो INA को रिड्यूस करेंगे और स्ट्रेस की वैल्यू आप ज़्यादा कंसीडर करेंगे. और अगर स्ट्रेस की वैल्यू को आप ज़्यादा कंसीडर करेंगे और उसको सेफ करेंगे तो ऑब्वियसली डिजाइन भी ज़्यादा सेफ होगा. और फाइनली इसकी वैल्यू आपके सामने है 5208 3.33 H mm power 4. और अब हम बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज M अपॉन INA इनटू वाई मैक्स. ऑब्वियसली वाई ए या वाई डी ले सकते हैं आप. मोमेंट हो जाएगा हमारा 20 यूनिट से ही कर देते हैं, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी 120. वाई मैक्स हो गया 37.5, INA अभी हमने निकाला है 5208 3.33 H. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1728 अपॉन H इन मेगा पास्कल.
सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्राइमरी वाली जो स्ट्रेसेस थी, एक्चुअली जो P1 वाली स्ट्रेसेस थी, वो वेल्ड के प्लेन में ही होंगी। और अगर इन स्ट्रेसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये स्ट्रेसेस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन और बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसको भी हम थोड़ी देर बाद 3D में और डिटेल में समझेंगे। सो ये बेंडिंग स्ट्रेस A की बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी D की, और यहाँ पे आप कह सकते हैं नेचर अपोजिट होगा, टेंसाइल होगा। B की बेंडिंग स्ट्रेस एंड दैट इज C की बेंडिंग स्ट्रेस। सो ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि प्राइमरी स्ट्रेसेस, या कह दीजिए कि प्राइमरी सीयर स्ट्रेसेस थी, और जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस हैं वो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इतना तो क्लियर हो ही गया है कि हम सभी को क्रिटिकल पॉइंट मिल चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरे में दो पॉइंट होंगे, A और D। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, एंड दैट इज कंबाइंड इफेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि दोनों डायग्राम्स को कंबाइंड करते हैं, प्राइमरी वाले को और सेकेंडरी वाले को। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने एक बार फिर से वेल्ड को बनाया है। हम सारे पॉइंट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाएंगे, हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम इस पे बात करें तो A पे ये हैं हमारी, जो कि इस वेल्ड के प्लेन में ही होंगी, प्राइमरी सीयर स्ट्रेसेस, और दूसरा जो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। 90 का एंगल होगा इनके बीच में। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कई सारे लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली मैं जान रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बार फिर से 3D व्यू को कंसीडर कर रखा है, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसका 3D डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके 3D को कंसीडर करें, तो ये रहा इसका 3D डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि ये मैंने 3D डायग्राम आपके सामने तैयार कर रखा है। अगर आप ध्यान दें तो जो येलो से एरोस दिखा रखे हैं मैंने, ये हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, और रेड से जो मैंने दिखा रखा है दैट इज वेल्ड, और ब्लू से जो मैंने दिखा रखी हैं ये है प्राइमरी सीयर स्ट्रेसेस। तो मेरे भाई, मैं आपको बिल्कुल क्लियरिटी से बता दूं, अब देखिए ये जो ब्लू वाले एरोज हैं, ये वेल्ड के प्लेन, या कह दीजिए वेल्ड के एरिया के पैरेलल हैं, और येलो वाले जो एरोज आप देख पा रहे हैं, ये इसके परपेंडिकुलर हैं। और आप देख लीजिए, मैंने बहुत क्लियरिटी से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रखा है। अब देखिए, बॉटम वाला जो एरो है उसका लेंथ ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। ये ब्लैक से मैंने न्यूट्रल एक्सिस दिखा रखी है, और उसके बाद फिर इस येलो वाले का नेचर बदल गया है। अगर नीचे ये टेंसाइल है तो नीचे, अगर ये कंप्रेसिव है तो ऊपर मैंने टेंसाइल दिखा रखी है। बट अगर आप ब्लू वाली स्ट्रेसेस, जो कि प्राइमरी सीयर स्ट्रेसेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड को देखिए आप, तो हर एक पॉइंट पे वो सेम है। तो एग्जैक्टली ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। येलो से नॉर्मल स्ट्रेस दिखा रखी है मैंने, ब्लू से सीयर स्ट्रेस दिखा रखी है, रेड से वेल्ड है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि बॉटम वाले पॉइंट पे एक्चुअली स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन एंगल वाइज, नेचर वाइज कैसा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, लौटते अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की ओर। सो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे A और D पॉइंटों पे नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस दोनों काम कर रही है। किसी एक पॉइंट को डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। सो चलिए A को डिजाइन कर लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर पॉइंट A। ओके, किसी एक को डिजाइन कर लेते हैं। सो अगर आप ध्यान दें तो पॉइंट A है अंडर कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन,
मतलब आप यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट एक स्ट्रेस है नॉर्मल और दूसरा है सियर, और वेन एवर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड स्ट्रेस कंडीशन हमें जाना पड़ेगा थ्योरी ऑफ फेल्योर की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रॉब्लम में थ्योरी ऑफ फेल्योर का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आप जनरली दो थ्योरीज प्रेफर करते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, वन इज MSST अदर वन MDT, पर इस प्रॉब्लम में कॉन्वेक्टिव प्रॉब्लम उसने मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं पर आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट हम लोग MSST अप्लाई कर देते हैं, उसका रिजल्ट हमको पता होता है सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 tau² अंडर रूट शुड बी लेस देन सिग्मा परमिश। सो वंस अगेन हम यहाँ पे डेटा पुट करने को तैयार हैं, पर सिग्मा परमिसिबल गिवन नहीं है, टाउ परमिसिबल गिवन है, दैट इज 80 MPa, और हम सब जानते हैं बाई MSST का जो रिजल्ट है वो कहता है कि SYT इज 2 times SYS। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि सिग्मा परमिसिबल इज 2 times of tau परमिसिबल। सो माय डियर स्टूडेंट दैट इज 160 MPa। अब हम सारे डेटास को यहाँ पे भर सकते हैं, सिग्मा हमने चूंकि पहले निकाल रखा है दैट इज 1728/h² प्लस 4 times 100/h² लेस देन 160। सारी यूनिट भी ठीक हैं, बस आपको कैलकुलेट करना है, और जब यहाँ से आप सीधे एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे सो आई थिंक दैट इज 10.87 समथिंग आपको मिलेगी, बट हम सब जानते हैं कि ये आंसर आपको नहीं देना है, क्योंकि ये जो पूरे कैलकुलेशन हमने किए हैं दैट इज फॉर थ्रॉट, और हमने अभी डिस्कस किया था कि टी हमें रिक्वायर्ड है एंड दैट इज साइज। सो इसमें 0.707 हम डिवाइड करेंगे, सो 10.707 सो दैट, सो टी वैल्यू इज 15.3 in mm, पर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं सो दैट इज 16 mm एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट आज हमने ये बेंडिंग की प्रॉब्लम भी 20 मार्क की डिस्कस करी, अभी कुछ और ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्यूबिक टर्म को हमें निगलेक्ट करना है, क्योंकि उसे निगलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप HQ टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे तो INA को रिड्यूस करेंगे और स्ट्रेस की वैल्यू आप ज़्यादा कंसिडर करेंगे, और अगर स्ट्रेस की वैल्यू को आप ज़्यादा कंसिडर करेंगे और उसको सेफ करेंगे तो ऑब्वियसली डिज़ाइन भी ज़्यादा सेफ होगा, और फाइनली इसकी वैल्यू आपके सामने है 5208/3.33 h mm^4। ओके डियर स्टूडेंट मैंने एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपके सामने रखी है, सो इन दिस प्रॉब्लम टू प्लेट्स आर जॉइंड बाय द मीन ऑफ फ्लिट वेल्ड, एक ब्लू वन है एक येलो वन प्लेट है, येलो पे जो ब्लू प्लेट जोड़ी गई है वो फ्लिट वेल्ड से जोड़ी गई है, लोड अप्लाइड किया है 2000 kN, और उसने इंडिकेट भी कर दिया है कि ये लोड टॉर्क है। चलिए हम अपने हिसाब से भी समझेंगे कि ये टॉर्क है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में एक बार फिर से उसने साइज पूछा है, परमिसिबल सियर स्ट्रेस दे रखी है और वेल्ड लेंथ दे रखी है जो कि एक्चुअल डायग्राम में हमें नज़र नहीं आ रही है, तो चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो ये हमें फ्रंट व्यू दे रखा है, और मैं बार बार जानता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये व्यू समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपको उसका 3-dimensional व्यू भी समझा देता हूँ, इसकी इमेज मैंने आपके लिए बना रखी है, तो ये रहा इसका 3-dimensional व्यू, ये आपको फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है प्रॉब्लम में, इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे वाली प्लेट है येलो, ऊपर वाली ब्लू प्लेट को जोड़ा गया है और रेड से मैंने वेल्ड दिखाया, और ये लेंथ वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा था तो मैंने आपको दिखा दिया, ये इसका साइड व्यू में दिखेगा लेंथ, एक्चुअली क्वेश्चन वाले ने साइड व्यू नहीं दिया है, और ये टॉर्क अप्लाइड है ऊपर, हम इसके सारे व्यूज़ को देख सकते हैं, ये भी साइड व्यू है, ये टॉप व्यू आपको नज़र आ रहा है, टॉप से भी लेंथ नज़र आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो ये टी से टॉर्क अप्लाइड है,
ग्रीन से दिखा रखा है मैंने टॉर को, नीचे वाली प्लेट येलो प्लेट, ऊपर वाली ब्लू प्लेट, और इस डायग्राम से बेटर आपको नहीं समझाया जा सकता। पर आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में तो ये डायग्राम दिया नहीं होगा, तो लौट आते हैं अपने एक्चुअल प्रॉब्लम की ओर। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पे अब हम इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, सो लेट अस सॉल्व दिस सोल्यूशन। देखिए इस बार डायरेक्टली उसने कपल अप्लाइड कर दिया है, इसलिए हमें कोई स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे वेल्ड को अलग से बनाते हैं। सो दिस इज द वेल्ड, और इस वेल्ड में ये अप्लाइड हुआ है ट्विस्टिंग कपल। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा और क्लियरिटी ला दूं, मैंने आपको बताया था कि वेल्ड प्लेन क्या होता है। आप क्या करिए कि सारी वेल्डिंग को आपस में जोड़ दीजिए, और अगर आप सारी वेल्डिंग को आपस में जोड़ेंगे तो ये पेपर प्लेन ही बनेगा। और ये मैंने साइड में बनाया है, ये है वेल्ड प्लेन। ओके माय डियर स्टूडेंट, और अगर हम ध्यान दें तो ये कपल हमारा ये इस तरह से काम कर रहा है, और कपल भी आप ध्यान से देखिए कि इसी पेपर प्लेन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने दिखाया है कि ये कपल का प्लेन है, या प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं आप, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तभी प्रॉब्लम वाले ने इसका नाम ट्विस्टिंग कपल रख दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इस बार बहुत सिंपल प्रॉब्लम हमारे सामने है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो ये रहा सी जी, इस एरिया को हम एरिया वन बोल देते हैं, तो ये हो गया सी जी वन, ये हो गया सी जी टू, और यहाँ दो एरियाज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ए वन और ए टू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ए वन और ए टू की बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, और अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये एक्चुअली एक दूसरे से डिस्टेंस पे नहीं है, इनकी डिस्टेंस आपस में नेग्लिजिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ऐसे मान लेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज एरिया वन, और बिल्कुल कुल एरिया वन के ऊपर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पर्पल कर देता हूँ उसको, बिल्कुल एरिया वन के ऊपर ही हम लोग एरिया टू को अज्यूम कर लेंगे। देखिए कई सारे स्टूडेंट को अजम्पशन लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये एकदम से क्या कर दिया आपने, तो मैं आपको बार बार क्लियर कर दूँ, हम सी जी वन, सी जी टू और सी जी को एक ही मान लेंगे। तो फिर से वही बात है कि इस अजम्पशन से एडवांटेज क्या है, आखिर क्यों ले लिया ये अजम्पशन, तो बहुत सिंपल आंसर है, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस ए वन और ए टू के बीच की निगलेक्ट कर देते हैं, तो आप जो उसके सी जी को, सी जी के रिस्पेक्ट में आई पी को जब आप मेन सी जी पे शिफ्ट करेंगे, तो वो डिस्टेंस आपने निगलेक्ट कर दी है। इसका मतलब है आपने पोलर मोमेंट ऑफ एरिया को रिड्यूस किया है, स्ट्रेस को इंक्रीज किया है, और योर डिजाइन विल बी सेफर, मोर सेफर। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। नाउ यहां से हम आर लेंगे, और सब जानते हैं ट्विस्टिंग कपल या टॉर्सनल स्ट्रेस की वैल्यू होती है टी अपॉन आई पी इंटू मार मैक्स। सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि पॉइंट ए और बी क्रिटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ की आर मैक्सिमम है। सो आर मैक्स का डेटा हमें दिख गया है, क्योंकि अगर हमें जो लेंथ दी गई है दैट टोटल लेंथ इज 100 mm, सो आर मैक्स वैल्यू इज 50 mm, टॉर्क इज 2000 kN/mm, सो द ओनली प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट आई पी, एंड दैट इज अगेन अ वेरी सिंपल टास्क। हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे और किसी एक एरिया का आईपी निकाल सकते हैं, सो दैट इज दैट डिस्टेंस इज टी साइज। लेकिन हम सब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं टी के लिए डिजाइन नहीं करना है, एच के लिए डिजाइन करना है। सो एच 100³/12 प्लस 100 h³/12, और ये टर्म निकलेक्ट, टू का मल्टीप्लाई करने से दोनों एरियाज के काउंट हो गए हैं ए वन ए टू के,
और यहाँ से आईपी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 166.67 H mm power 4. So now we can easily find out tau max value, that is T upon IP into R max. T is 2000 unit, सही कर देते हैं. R max is 50. IP is 166.67 into H. So now this tau max equal to 599.99 upon H in megapascal. So अब हम इसको सेव कर सकते हैं. So for safe condition that tau max should be less than tau permissive. So that approximately 600 by H megapascal should be less than 100. So here H is approximately 6 mm. So what is the size? H divided by 0.707. So when you divide in 0.707, so that is approximately 8.5 mm, and that is your final answer. Okay my dear students, मैंने एक और problem उठा रखी है, इससे पूरी क्लियरिटी आ जाएगी. और ये हमारे वेल्डेड जॉइंट में एसेंट्रिक लोडिंग का लास्ट केस है. ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर शाफ्ट को हमने एक प्लेट के साथ जोड़ रखा है जिसमें 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है जो कि वेल्ड के सीजी से दूर है. एंड इट इज़ अगेन अ केस ऑफ फ्लैट वेल्ड. और यहाँ भी हमसे साइज पूछा गया है. सो अगर हम बात करें, वंस अगेन हमें जो ये दे रखा है दैट इज़ द फ्रंट व्यू. लेकिन फिर से कई सारे स्टूडेंट इस डायग्राम को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैंने एक बार फिर से आपके लिए थ्री डायमेंशनल व्यू को बना रखा है. देखिए इसके 3D को समझते हैं तब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करें तो ये केस मैंने आपके लिए उठाया है कि आपकी जो ब्लू प्लेट है उसमें मैंने एक ग्रीन प्लेट को जोड़ रखा है, जहाँ मैंने रेड से वेल्ड दिखा रखा है, रेड से लोड दिखा रखा है. तो आपको ये वाला व्यू नज़र आ रहा है. सो दैट इज़ द फ्रंट व्यू. लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशनल डायग्राम को देखें तो इससे हम सारे के सारे व्यू को आसानी से समझ सकते हैं कि ये सर्कुलर फ्लैट वेल्ड है, शाफ्ट का डाया दे रखा है, पी का लोड अप्लाइड है और यहाँ पे हमें साइज रिक्वायर्ड है. सो माय डियर स्टूडेंट, लौट आते हैं अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम की ओर. सो दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम. सो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं वंस अगेन. सो पहला स्टेप है फाइंड आउट सीजी. सो इस केस में सीजी बहुत आसानी से मिल गया है हमारा, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लैट वेल्ड है. सो अगर हम बात करें कि ये सर्कुलर फ्लैट वेल्ड है तो इस केस में सीजी निकालना बहुत ही आसान है. सो अगर हम वेल्ड को थोड़ा जूम करके बड़ा करके बनाएं तो दैट इज़ द वेल्ड. तो अगर हम इस फ्लैट वेल्ड की बात करें तो इस फ्लैट वेल्ड में हमें सीजी बहुत आसानी से मिल गया है, क्योंकि सर्कल का सीजी ही सीजी होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड स्टेप टू, फाइंड आउट एसेंट्रिसिटी. सो इन दिस प्रॉब्लम एसेंट्रिसिटी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सी जी की लोकेशन है सो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 150 mm. स्टेप थर्ड, हम अप्लाई करेंगे P1 P2 सी जी से. सो हमने P1 P2 अप्लाई कर सकते हैं आप सी जी से P1, और ये अप्लाई कर सकते हैं P2. फिर अगला स्टेप है इफेक्ट ऑफ P1. P1 क्योंकि सीजी से पास कर रहा है, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा P1 लगा हुआ है. तो P1 प्राइमरी सीयर फोर्स होगा और P1 का मैग्नीट्यूड होगा लोड डिवाइड बाई एरिया. नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया हम थ्रॉट का लेंगे. ओके सो पी हमारे इस प्रॉब्लम में गिवन है 20 किलो न्यूटन और थ्रॉट एरिया हो जाएगा पाई
D H. Okay, so my dear student, 220 into 10 to the power 3 pi soft dia de rakha hai humko, that is 50. फिर से कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर ये h by 2 यहां से सबट्रैक्ट करना चाहिए एंड ऑल दैट, पर मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं इन डिस्टेंसेस को हमें नेगलेक्ट करना है, सो दैट इज 50 ओनली एंड h, सो दैट इज इक्वेशन 1. नाउ द इफेक्ट ऑफ p2 एंड p, बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम ध्यान दें कि P2 और P को अप्लाई करेंगे तो ये वाला प्लेन होगा हमारा वेल्ड प्लेन. और दिस इज द प्लेन ऑफ कपल, और ये वेल्ड प्लेन और कपल प्लेन या प्लेन ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं. सो ये परपेंडिकुलर है, सो हम इसको बेंडिंग कपल नाम देंगे एंड दैट इज पी इंटू ई, एंड दैट बेंडिंग कपल मैग्नीट्यूड इज 20 इंटू 150. एंड वी ऑल नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर रखे हैं कि अगर हम बात करें इस वेल्ड की तो ये वेल्ड जो है ये रही न्यूट्रल एक्सिस, और यहीं से हमको वाई लेना है. सो हम सीधे पेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं. सभी लोग समझ गए होंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्रिटिकल होंगे. सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, एम अपॉन आई एन ए इनटू वाई मैक्स. सो मोमेंट मैग्नीट्यूड इज 20 इनटू 150, वाई मैक्स इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट एंड दैट इज 50/2. एंड वंस अगेन दिस आई एन ए रिक्वायर्ड, बट हम यहाँ इस आई एन ए को सीधे याद रखते हैं क्योंकि वेल्ड के केस में थिन प्रेशर वेसल वाला फॉर्मूला ही लग जाता है. थिन प्रेशर वेसल सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला वैलिड है दैट इज ऑल्सो वैलिड फॉर वेल्ड ऑल्सो, पर हमें वो याद होना चाहिए. आज के बाद सब लोग याद रखेंगे उस डेटा को. सो दैट इज पाई डी क्यू एच by 8. Okay, so by 50 cube h, obviously आप देख रहे हैं मैंने थ्रॉट के लिए डिजाइन कर रहा हूं. सो यहां से हमें बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 20 इंटू 150 इंटू वाई मैक्स by 2 डिवाइडेड by पाई 50 cube h by 8. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप इसकी वैल्यू को पाएंगे इक्वल टू 1.52793/h kN/mm². और हम इसको लिख सकते हैं 1527.93/h in MPa. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट ए और बी पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल गई है और सीयर स्ट्रेस भी मिल गई है. और हम जानते हैं क्योंकि ये कंबाइंड स्ट्रेस का केस है तो हमें फिर से थ्योरी ऑफ फेलियर लगानी पड़ेगी, और हम एक बार फिर से जा रहे हैं MSST की ओर, क्योंकि अगर मेंशन नहीं है तो हम कोई भी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं. और अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में MSST अप्लाई करी है, जहाँ तक कि सबको रिजल्ट्स भी याद होंगे. सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 tau² शुड बी लेस देन सिग्मा परमिसिबल, क्योंकि टाउ परमिसिबल दिया है तो हम जानते हैं MSST के हिसाब से उसे 2 times of सिग्मा परमिसिबल ले सकते हैं.
सो हम यहाँ पे डेटा अगर पुट कर दें तो दैट इज 1527.93 बाई एच होल स्क्वायर प्लस 4। सीयर की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 20 × 10³ बाई 50 एच का होल स्क्वायर एंड टाउ परमिशन हमें जो प्रॉब्लम में दिया है दैट इज 60। और यहाँ से जब हम एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड आप बहुत आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल फाइंड दैट वैल्यू इज 12.9 mm। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें साइज निकालना है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 0.707। और जब आप इसमें 0.707 डिवाइड करेंगे सो आपका फाइनल आंसर आएगा 16.76। सो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, दैट इज 17 mm, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ओके माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेल्डेड जॉइंट में एक दो केस और भी बनते हैं जो कि मैंने क्लास में अच्छे से डिस्कस करके रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक आध डायग्राम दिखाना चाहता हूं, अगर इस लास्ट प्रॉब्लम हम डायरेक्टली बेंडिंग कपल लगाते तो इस केस में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे फॉर्मूला याद रखते हैं 5.66 m/π d² × throat, ये बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है और इसको आप सिग्मा परमिशन से कम कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ फेल्योर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे स्टूडेंट्स हम लोग ये बात करें कि अगर इसी क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट ना लग के ट्विस्टिंग मोमेंट लगता तो यहाँ भी हमें थ्योरी ऑफ फेल्योर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, हम सीधे फॉर्मूला यहाँ पे याद रखते हैं 2.83 t/π d² × throat। ये फॉर्मूला सीधे मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस देता है क्योंकि इसमें केवल सीयर होगी, तो यहाँ भी थ्योरी ऑफ फेल्योर की कोई ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे हिसाब से हमारे वेल्डेड जॉइंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को हमने डिटेल में कवर कर रखा है। होपफुली लास्ट ईयर वेल्ड का क्वेश्चन मेंस में नहीं था, इस बार बहुत फेयर चांसेस हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आपको वेल्ड का क्वेश्चन दिखेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि मेडजी या मशीन डिज़ाइन में मैं आपको कुछ और भी टॉपिक के वीडियोस बनाऊं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर कोशिश ये करिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ओपिनियन कॉमन होना चाहिए। सारे टॉपिक के वीडियोस नहीं बनाए जा सकते हैं, आप भी जानते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चुनिए जिनको हम इन 15 to 20 days में कवर कर सकते हैं। सो मेरे स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मैं आपके साथ हूँ, मेड जी आपके साथ है, हम सारे टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं हमने 3D डायग्राम्स को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। मेड जी के सारे टीचर्स आपकी ओर डेडिकेटेड हैं, मेड जी आप पे डेडिकेटेड है। सो स्टूडेंट, बेस्ट विशेस, ख्याल रखिए, मेहनत करिए, बाय, नमस्ते।